बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पापड़ टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। एक अहम ऐलान लेके मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपको मालूम ही है, कई रोज कबल वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ मुबल्लिग, मुसन्निफ, कलमकार, शायर नात खान नातगो और इस्लामिक स्कॉलर मरहूम इंजीनियर नज़ीर अहमद मीर साहब इस दुनिया से रहलत करके हमारे दिलों को तड़पता हुआ छोड़ के चले। तो मरहूम की जो तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं, उन्होंने इल्मी मैदान में एक हलचल मचा दी और उनकी तसानीफ से कई लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया है। तो इस जिमन में उनके रस्म कुल के मौके पर बहुत सारे लोगों और इदारा जात ने इसरार किया कि मरहूम की जो तसानीफ अभी शाया नहीं हुई है उनको भी शाया करके मंजर आम पर लाया जाए। तो शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट ने इस बारे में गौरखोज करने के बाद ये फैसला किया है कि जितना भी इल्मी जखीरा मरहूम इंजीनियर नज़ीर अहमद मीर साहब का शाया नहीं हुआ है वो सिर्फ अब शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से शाया किया जाएगा, जबकि किसी इदारे या पब्लिशिंग हाउस को मरहूम की कोई भी नई किताब शाया करने का इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि मरहूम की पहले से ही शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट के साथ वाबस्तगी रही है। इसलिए अब जो भी तसानीफ शाया की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से शाया की जाएंगी। मरहूम की तसानीफ जो शाया की जाएंगी उनके जुमला हकूक शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट के पास महफूज रहेंगे और ट्रस्ट तमाम इदारा जात से इस हवाले से नेक ख्वाहिशात का मुंतजर रहेगा। तो इस पैगाम को तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जो इल्मी जखीरा मरहूम इंजीनियर नज़ीर अहमद मीर साहब का अभी शाया नहीं हुआ है वो बहुत जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा और इसके जो जुमला हकूक होंगे वो शाहमदान मेमोरियल ट्रस्ट के पास महफूज रहेंगे और किसी भी इदारे को अब मरहूम की नई किताब शाया करने का इख्तियार नहीं होगा। तो इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।